गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट योर होम। डियर स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट, एज वी नो, वी हैव स्टार्टेड आर चैप्टर मल्टीप्लाई। ओके, हमने चैप्टर मल्टीप्लाई स्टार्ट किया है, दैट इज चैप्टर नंबर 9। ओके, सो डियर स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या होता है? व्हाट इज मल्टीप्लाई? मल्टीप्लीकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, कौन सी? रिपीटेड एडिशन, जिसमें बार बार जो है वो एडिशन रिपीट होती है सेम डिजिट की। ओके, सो इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। फिर हमने इसका साइन पढ़े थे, इसके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। नाउ अगेन वी विल डिस्कस एक्सरसाइज रिलेटेड टू मल्टीप्लाई। सो डियर स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक ऑन पेज नंबर 77। 77 पेज में आएंगे, आप अपनी बुक निकालेंगे, उसमें से कुछ एक मल्टीप्लाई की एक्सरसाइज है, वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 2 × 2। ओके, ऐसे हम टेबल्स बोलते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऐसे तो हमें इजीली आते हैं। बट बीच में अगर कहीं से हमें पूछ लिया जाए कि 2 × 2 = कितने होते हैं, 2 × 7 =, 3 × 4 =, 4 × 2 =, सो इसके थ्रू हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे, और आपको बीच में भी टेबल्स आने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने क्रैम करके 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 ऐसे रीड कर लिया। ओके, अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जाएगा कि 2 × 3 = कितने होते हैं, 7 × 4 = कितने होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताऊंगी। ओके, सो फर्स्ट इज 2 × 2 = 4, और इसको साथ में हम क्या रीड कर सकते हैं, 2 × 2 = 4। 2 को 2 बार प्लस करेंगे तब भी 4 आएगा, 2 × 2 = 4। ओके, 3 × 1, 1 को तो हम किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही नंबर आता है। ओके, सो इट इज 3। अंडरस्टूड? 5 × 2, 5 × 2 = 10। ओके, 5 × 2 = 10, या फिर 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12। ओके, आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि 6 × 2 = कितने होते हैं, 2 × 6 = कितने होते हैं, इंटरचेंज करेंगे इसको तब भी वही आएगा आपका, 6 × 2 = करो या फिर 2 × 6 = करो, आपका आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, 7 × 2 = 14। सो डियर स्टूडेंट, इनको करने के लिए आपको टेबल्स अच्छी तरह से आने चाहिए, बीच में भी आपको टेबल्स आने चाहिए। 7 × 2 = 14, 5 × 6 = 30। ओके, 2 × 5 = 10। देखो यहाँ पे 5 × 2 = था वो भी 10, यहाँ पे 2 × 5 = है वो भी 10। ओके, सो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 2 × 5 = 10। ओके, इसके आप बाकी के पार्ट्स बुक में भी फिल कर सकते हैं। ओके, नोटबुक में आप सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे, अंडरस्टूड? जो मैंने करवाए हैं वही आप नोटबुक में करेंगे। ओके, बाकी अगर आप चाहो तो बाकी का जो क्वेश्चन बचे हैं वो बुक में भी फिल कर सकते हो, अंडरस्टूड? नाउ डियर स्टूडेंट, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनमें आपने सोच के नंबर फिल करना है, कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। ओके, सो फर्स्ट इज 4 × 6, 4 का टेबल आना चाहिए आपको, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। सो इस ब्लैंक में क्या आएगा, 4 × 6 = 24। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैंक × 10 = 70। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजल्ट में 70 है, यहाँ पे 10 है। अब 10 का टेबल आपने कहां तक बोलना है कि 70 आ जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30,
10 fours are 40, 10 fives are 60, 10 sevens are 70. ओके सो यहाँ पे क्या आएगा 7, 10 sevens are 70. सेम वैसे ही 10 eights are 80. रिजल्ट में आपका 80 है. सो 10 का टेबल आपने कहां तक बोलना है 8 तक, देन 10 एट्स आर 80. अब यहां पे 6 है, यहां पे 54 है. 6 का टेबल आपने कहां तक बोलना है 54 तक. ओके सो बोलो यस. 6 वन्स आर 6, 6 टूज आर 12, 6 थ्रीज आर 18, 6 फोर्स आर 24, 6 fives are 30, 6 sixes are 36, 6 sevens are 42, 6 eights are 48, 6 nines are 54. 54 में पहुंच गए, सो वहां पे हमने स्टॉप कर देना है. 6 nines are 54. ओके नेक्स्ट है आपका 4 multiplied as इक्वल टू 20. 20 रिजल्ट है आपका. 4 का टेबल आप कहां तक बोलेंगे 20 तक. 4 वन्स आर 4, 4 टूज आर 8, 4 थ्रीज आर 12, 4 फोर्स आर 16, 4 फाइव्स आर 20. सो 4 फाइव्स आर 20. 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20. 6 मल्टीप्लाइड एस इक्वल टू 36. 6 का टेबल आपने कहां तक बोलना है 36 तक. ओके 6 वन्स आर 6, 6 टूज आर 12, 6 थ्रीज आर 18, 6 फोर्स आर 24, 6 फाइव्स आर 30, 6 सिक्स आर 36. ओके सो 6 सिक्स आर 36. यहां पे क्या फिल करेंगे आप 6. ओके सो इसके आपके 2 पार्ट्स बच गए हैं, वो भी आपने बुक में ही फिल करने हैं. ओके अंडरस्टूड यस. सो डियर स्टूडेंट आज हमने कहाँ पे की एक्सरसाइज, पेज नंबर 77 मल्टीप्लाई से रिलेटेड है. आपको टेबल्स आने चाहिए, बीच में से टेबल आने चाहिए, ऐसे नहीं क्रैम करके आपको आगे. ओके सो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन करने हैं. जो मैंने बोर्ड में करवाए हैं वही आपने नोटबुक में करने हैं, बाकी आप बुक में फिल कर सकते हैं. ओके अंडरस्टूड यस. सो डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव ए गुड डे. थैंक यू.